Spacey Girl. Hi guys, welcome and welcome back to my channel. I'm back with another video. So in today's video, मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये प्यारा सा with red bold lips वाला party makeup look. आप इस makeup look को easily create कर सकते हैं. आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत सारा use करा होगा मतलब makeup products and बहुत मुश्किल से create होगा, but नहीं. ये बहुत simple है. अगर आप step by step follow करेंगे तो आपको makeup अच्छे से आ जाएगा and आपके लिए simple होगा makeup looks create करना. So आप please मेरे tutorials देखें and please देखने से कुछ नहीं होगा, आप इसे practice भी करें अपनी day to day life में, तभी आपको जाके मेकअप आएगा. एंड मैं आपके लिए बहुत सी वीडियोस लाऊंगी, बिगनर्स के लिए वीडियो लाऊंगी जैसे कि आप मेकअप वाली जो जिनको मेकअप नहीं आता है वो मेकअप मेरी वीडियो से सीख सकते हैं. सो अगर आपको ये वाला मेकअप लुक अच्छा लगे सो प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर मी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर विद एवरी वन ऑल्सो. एंड सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो कि मैंने ये वाला प्यारा मेकअप लुक कैसे करा है. लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, सबसे पहले मैंने फेस वॉश कर लिया है. आपको स्किन केयर करना ज़रूरी होता है बिकॉज अगर आप स्किन केयर नहीं करेंगे तो आपका मेकअप जो होगा फ्लॉलेस नहीं दिखेगा. तो सबसे पहले आपको अपना स्किन केयर करना चाहिए. फर्स्ट आप फेस वॉश करिए, देन नेक्स्ट स्टेप आता है टोनर. सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी बायोटिक का बायो मॉर्निंग नेक्टर टोनर. टोनर आपके जो होता है पोर्स को मिनिमाइज करता है एंड आपके पोर्स को फिल करता है. तो मैं इसे थोड़ा सा अमाउंट में लेके अपने पाम में इसे अप्लाई करूँगी अपने फेस पे. इस तरह से फेस पर अप्लाई कर लिया है एंड इसे ड्राई आउट होने लगी नेचुरली. मैंने यहाँ पे टोनर अप्लाई कर लिया है एंड इसे नेचुरली मेरा ड्राई हो गया है. सो नेक्स्ट स्टेप आता है अपना जेल. तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी गुड वाइब्स का नीम एंड तुलसी वाला जेल. आपको इसकी बड़ी क्वान्टिटी में मिल जाएगा, ये मेरी 50 ग्राम्स की क्वान्टिटी है. मैं इसे अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करूँगी जिससे कि मेरा फेस मॉइस्चराइज है बिकॉज समर सीजन आ चुके हैं. मैंने इसे अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है. मैं मसाज कर लूँगी अपने फेस पर. आप देखेंगे आपकी स्किन नेचुरली ग्लोइंग एंड अच्छी हो जाती है. मैंने जेल अप्लाई कर लिया है. सो गाइस नाउ नेक्स्ट जेल अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी गुड वाइब्स का आलमंड फेशियल ऑयल. फेशियल ऑयल बहुत अच्छे होते हैं आपके फेस के लिए, आपके फेस को ड्राई आउट नहीं करते. जो ड्राई स्किन वाले होते हैं उन्हें जरूर फेशियल ऑयल यूज़ करना चाहिए. सो मैं यहाँ पे आलमंड फेशियल ऑयल यूज़ करूँगी. मैं इसे ड्रॉपर से लेके अपने फेस पर अप्लाई करूँगी. मैं इसे मसाज कर लूँगी अपने फेस पे, अपने फोरहेड पे एंड फिर चिन एरिया पे. इसे मैंने अच्छे से मसाज कर लिया है. इट प्रोवाइड इंस्टेंट ग्लो टू योर फेस एंड यू कैन सी कि मेरा फेस कितना हाइड्रेट एंड अच्छा लग रहा है. नाउ गाइस मैंने अपना फेशियल ऑयल अप्लाई कर लिया है. आप देख सकते हैं मेरी स्किन पूरी पेनिट्रेट हो गया फेशियल ऑयल. सो नेक्स्ट स्टेप आता है अपना मॉइस्चराइजर. सो मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ करूँगी न्यूट्रीडर्म की विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग लोशन. गाइस ये बहुत अच्छा लोशन है. अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तो ज़रूर ये वाला लोशन अप्लाई करें. तो मैं इसे थोड़ा सा अमाउंट पर लेके अपने फुल फेस पर अप्लाई कर लूँगी. आप ड्राई स्किन वाले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं. आप पॉन्स की लाइट जेल वाला भी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज समर सीजन अप्रोच हो चुका है. तो आप मोस्टली लाइट वेट वाले मॉइस्चराइजर यूज़ करें अपनी स्किन पर, तो आपका स्किन ज़्यादा हाइड्रेट रहेगी एंड अच्छी रहेगी. तो आप देख सकते हैं मैंने अप्लाई कर लिया, मेरी स्किन पूरी मॉइस्चराइज हो चुकी है. नाउ आई मसाज विद इट. ओके गाइस सो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया मॉइस्चराइजर. सो गाइस नेक्स्ट स्टेप आता है अपने लिप्स को हाइड करना. प्लीज़ मत भूलिए, लिप्स को हाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी NYB की लिप पाउटिंग लिप बाम एंड यहाँ पे मेरा शेड है बटर स्कॉच. सो ये रिट्रैक्टेबल उसमें आती है, आप इसे अप्लाई करें. इसे अप्लाई कर लिया है. ओके सो गाइस मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर दिया है. नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर. सो अपन अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं. सो प्राइमर अपने मैं अप्लाई करूँगी फेसेस कैनेडा का प्राइमर. सो इट इज़ अल्टीमेट प्रो परफेक्टिंग पो मिनिमाइजिंग प्राइमर. प्राइमर जो होता है आपके पोर्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है. सो एक क्रीम फॉर्मूला वाला प्राइमर है. सो मैं इसे थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके अपने फेस पर अप्लाई करूँगी डॉट डॉट मोशन में. आप देख सकते हैं मैंने इसे डॉट मोशन में अप्लाई कर दिया फेस पे. मैंने गाइस प्राइमर को अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी अपने स्किन में.
एंड गाइस प्राइमर जो होता है आपकी स्किन आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है एंड आपकी मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग एंड आपके मेकअप को फ्लॉलेस बनाता है. तो मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है प्राइमर. आप कोई सा प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, ब्लू हेवन का अफोर्डेबल प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, एनवाइबे का यूज़ कर सकते हैं. ओके तो मैंने यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई सॉरी प्राइमर अप्लाई कर लिया है. नेक्स्ट स्टेप आता है अपना फाउंडेशन. सो फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी शेक वॉकी का फाउंडेशन एंड यहाँ पर मेरा शेड है कैरी ऑन कैरमल 3. सो मैं इसे पम्प आउट करूँगी अपने फिंगर अपने पाम में एंड इसे डॉट ऑफ मोशन में अप्लाई करूँगी अपने फेस पे. क्योंकि आप जब भी फाउंडेशन अप्लाई करें तो प्लीज़ गाइज आप डॉट ऑफ मोशन में अप्लाई करें, जिससे कि आपका फेस अच्छे से आपका फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई हो एंड आपको अच्छा एंड फ्लॉलेस मेकअप आपको फ्लॉलेस बेस मिले तो आपके मेकअप के लिए. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू अप्लाई इट ऑन योर नेक. अच्छे से इसे नेक पे भी अप्लाई करूँगी जिससे कि दोनों का कलर सेम रहे आपके फेस का भी एंड आपके नेक का भी. ओके फाउंडेशन अप्लाई कर लिया. नाउ मैं इसे ब्लेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से. मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को ब्लेंड कर दिया ना, इसका साइज देखते एक्सटेंड हो गया है. ये पुनः स्टोक का ब्यूटी ब्लेंडर है. नाउ मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे ब्लेंड कर लूँगी फाउंडेशन, जिससे कि उनको फ्लॉलेस मेकअप फ्लॉलेस बेस मिल जाए. आप देख सकते हैं फाउंडेशन की कवरेज. ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा आपके फाउंडेशन को एब्जॉर्ब करता है बट आपको लुक बहुत प्यारा एंड अच्छा देता है. सो गाइज मैंने अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. नेक्स्ट स्टेप आता है अपना कंसीलर. सो कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी एनवाइबे का कंसीलर. आपको इसमें बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे, आपको कॉन्टूर के लिए कलर करेक्टर के लिए बहुत से शेड्स मिल जाएंगे. आप अपने हिसाब से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं. आपको ये पॉपअप भी मिलेगा आपके एनवाइबे के सारे प्रोडक्ट्स. तो मैं यहाँ पर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपने अंडर एरिया में, दोनों अंडर एरिया में अप्लाई करूँगी जिससे कि मैं डार्क सर्कल्स जो है छुप जाए अपने आईज के पास एंड अपने लिप्स के पास एंड नोज पे एंड फोर हेड पे. ओके सो मैं इसे अच्छे से अपने ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से. इससे मैंने फाउंडेशन ब्लेंड किया था तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस पे, जिससे कि मेरे को फ्लॉलेस अच्छा लुक मिल जाए एंड मेरे सारे जो डार्क सर्कल्स हैं ब्लैक वाले वो पूरे छुप जाएँ एंड मेरे को बेस अच्छा दे दें. तो मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस पे. सो गाइस मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया अपने फेस पे अच्छे से एंड मेरे हाइलाइट्स पॉइंट मेरे हाइलाइट हो रहे हैं. सो नेक्स्ट स्टेप है अपना कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्ट में मैं यूज़ करूँगी पर्पल का बाय योर ओन BFF कॉम्पैक्ट विद SPF. सो यहाँ पे मैं आपका शेड अपना मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नाउ मैं इसमें आता है आपका ये शेड. सो मैं अप्लाई करूँगी इसे पाउडर ब्रश से, जिससे कि मेरा जो बेस है सेट हो जाए एंड अच्छा लगे. सो मैंने पूरा फेस इससे सेट कर लिया है पाउडर से. सो गाइस मैंने पाउडर भी अप्लाई कर लिया है, कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लिया है. तो अपने मेकअप को बेस को सेट रखने के लिए मैं यूज़ करूँगी मेकअप सेटिंग स्प्रे मेकअप सेटिंग स्प्रे. ये लॉरेल पैरिस का मेकअप सेटिंग स्प्रे है. तो मैं इसे थोड़ी सी दूर रख के स्प्रे कर लूँगी, जिससे कि मेरा जो मेकअप बेस है अच्छे से सेट हो जाएगा. सो मैं इसे स्प्रे कर रही हूँ. सॉरी अब इसे नेचुरली ड्राई होने दें. ओके नाउ नेक्स्ट मैं अपनी ब्रोज आईब्रोज फिल करूँगी. सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी लॉरियल पैरिस का आईब्रो किट. ये इसमें आता है ऐसे एंड आपको एक ऐसा एंगुलर ब्रश मिलता है. ओके सो मैं इसमें से ब्राउन शेड लेके अपनी ब्रोज को फिल करूँगी. बिकॉज जब तक आप अपने ब्रोज फिल नहीं करेंगे आपका मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. सो मैं अच्छे से अपनी ब्रोज फिल करूँगी अपने ब्रोज के कलर के अकॉर्डिंग. सो गाइस मैंने अपनी आईब्रोज भी फिल कर ली हैं. सो अपना नेक्स्ट स्टेप आता है आपका आई शेडो. सो आई शेडो के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी एडी कलर्स का नियॉन वाला आई शेडो पैलेट. सो आपको इसमें ये सारे शेड्स मिल जाते हैं. आप देखिए सारे शेड्स मिल जाते हैं. इसमें ट्रांजिशन कलर भी है, शिमर कलर, सारे कलर्स हैं. ओके सो मैं इसमें एक ट्रांजिशन कलर लेके अपनी ट्रांजिशन बेस बिल्डअप कर लूँगी. एक फ्लफी ब्रश लेकर मैं अपना ट्रांजिशन कलर बिल्डअप कर लूँगी एंड इसमें आपको मिरर मिल जाए. इट्स वेरी कन्वीनियंट टू डू मेकअप. सो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी पहले तो अपने इन कॉर्नर्स में भी जाके हाईलाइट करके अपने ट्रांजिशन कलर को अच्छे से ब्लेंड करूँगी. पहले तो दो आइज को मैं अच्छे से ट्रांजिशन कलर से ब्लेंड करूँगी. ओके सो गाइस मैंने ना ट्रांजिशन कलर अप्लाई कर लिया है.
नाउ मैं इसी पैलेट में से एक शिमा कलर अपना लेकर अपने मिडिल एरिया में फिंगर से लेके अपने मिडिल एरिया में अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। आप देख सकते हैं द कलर इज सो पिगमेंटेड गाइस, इट्स ऑसम। मैं इसे लेके अच्छे से मिडिल एरिया में अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है एंड गाइस द पिगमेंटेशन ऑसम। मैंने पूरे अपने मिडिल एरिया में अप्लाई कर लिया है एंड मैं इसे अच्छे से अपने दोनों आईज में अप्लाई कर लूँगा। गाइस मैंने ग्लिटर शीट अप्लाई कर लिया अपने आईज पे, आप देख सकते हैं। ओके सो मैं इसमें से थोड़ा सा रेडिश टोन का कलर लेकर अपने जो एरिया है अपर वाला उसे ब्लेंड करूँगी जिससे कि थोड़ा लुक मर्ज्ड लगे एंड थोड़ा सा सटल एंड अच्छा लगे। पार्टीज़ के लिए आप ऐसा मेकअप लुक कर सकते हैं। ट्यूटोरियल डिज़ाइन इट्स वेरी सिंपल, आपको बस एक आई शेडो पैलेट चाहिए जिसमें सारे कलर्स होने चाहिए, न्यूड्स भी होने चाहिए एंड कलरफुल वाले भी होने चाहिए, ग्लिटर वाले भी होने चाहिए, सबका मेकअप लुक उसी से अच्छा लगने लगता है। सो मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ओके ना गाइस मैंने अपना मेकअप लुक ये वाला सिंपल मेकअप लुक करा है। सो मैं अपनी फॉल्स ऑफ कैमरा में अपने आईलैशेस अप्लाई कर लूँगी। सो गाइस मैंने ऑफ कैमरा अपनी लैशेस अप्लाई कर लिए हैं। आप देख सकते हैं आप लैशेस अप्लाई करते हैं तो आपके मेकअप को अलग ही ड्रामेटिक लुक आ जाता है आपके आई मेकअप में। सो मैं अपना लैश बैंड को थोड़ा हाइड करने के लिए मैं यूज़ करूँगी कलर बा का मैट आई लाइनर, इट्स इन ब्लैक कलर। सो मैं थोड़ा सा स्ट्रोक लगा के अपने मैंने अपना आई लाइनर अप्लाई कर लिया है एंड आप ड्रामेटिक लुक देख सकते हैं मेरे आईज का। ओके आईज ना मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा जिससे कि जो मेरा फॉल्स एलर्जीज हैं और मेरी नेचुरल एलर्जीज हैं दोनों मर्ज हो जाए। मैं यूज़ करूँगी मेबिन क्लॉसिल का मस्कारा। सो मैं इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी अपने लोअर आईलैश पे भी। जैसे कि दोनों मर्ज हो जाए। ओके नाउ गाइस थोड़ा आईज को अपने ड्रामेटिक लुक देने के लिए मैं अप्लाई करूँगी चिकोकी का ब्राउन कलर का ये आईलर आई पेंसिल है। सो मैं अपने डाउन ऑफ द आईज में अप्लाई करूँगी। एंड जिससे कि मेरे को थोड़ा ड्रामेटिक एंड अच्छा लुक दे। मैंने अप्लाई कर लिया है ये आई पेंसिल एंड आप देख सकते हैं मेरे आईज में कितना अच्छा ड्रामेटिक लुक आ रहा है। मैंने ब्राउन पेंसिल यूज़ करा है, मैंने ब्लैक यूज़ नहीं करा है। आप देख सकते हैं मेरे आईज में कितना अच्छा प्यारा लुक आ रहा है। एंड ऐसे सिंपल आईज को आप ड्रामेटिक बना सकते हैं आप डिफरेंट काजल से। नाउ सी माय आईज। सो गाइस नाउ मैंने अपना अप्लाई कर लिया है अपना काजल। सो मैं अपनी वाटर लाइन में थोड़ा सा काजल आई शेडो स्मच करूँगी डार्क कलर का आई शेडो। कलर का आई शेडो अप्लाई करूँगी तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी द जैकलिन हिल का मॉर्फी द पैलेट एंड इसमें से मैं एक रेड कलर का शेड लूँगी ये वाला। एंड इस आप स्मॉल वाला फ्लैट ब्रश ले सकते हैं जिससे कि ईजिली आपके उसमें स्मच हो जाए। एंड मैं यहाँ पर मिरर लेके अपने लोअर वाटर लाइन में स्मच कर लूँगी इसे अच्छे से जिससे कि मेरा मेकअप लुक अच्छा एंड क्लासी लगे। आप देख सकते हैं कितना क्लासी लग रहा है ये। आप कोई भी दो कलर्स को लेकर भी मिक्स करके आप अपना लैश अंडरलाइन ऑफ द आईज आप लगा सकते हैं। सो मैंने आप देख सकते हैं मैंने अप्लाई कर लिया है जिससे कि आपका मेकअप लुक अलग ही एंड ड्रामेटिक एंड अच्छा लगता है एंड इसे आप अच्छे से स्मच कर लीजिए देन आफ्टरवर्ड्स। सो गाइस आई एम ऑल कम्प्लीटेड विथ माई आई मेकअप लुक। नाउ मैं अपना फेस मेकअप कम्प्लीट कर लूँगी। सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी फेसेस कैनेडा का फेस पैलेट एंड इसमें आपको तीन वेरियंट्स मिलते हैं। आपको एक कॉन्टोर मिलता है एंड एक ब्लश मिलता है एंड एक हाईलाइटर मिलता है। ओके एक ऐसे इसमें आता है। सो सबसे पहले मैं करूँगी कॉन्टोरिंग। आप एक फ्लैट ब्रश लेके कॉन्टोरिंग करें बिकॉज ब्रश कलर पहले फिर अब यहाँ से ये वाला ब्राउन शेड है कॉन्टोरिंग थोड़ा सा पाउडर ले एंड
अपने चीक्स के पीछे जो एरिया होता है आप उस साइड को ब्रॉन्ज करें, जिससे कि आपका फेस थोड़ा स्लिम एंड बल्जिट नहीं लगता है, जैसे कि आपका फेस थोड़ा हैवी लगता है, तो आप कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, जैसे आपका फेस अच्छा लगेगा। सो मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ यहाँ। मैं इसे अपने नोज़ पे भी अप्लाई करूँगी, जिससे कि मेरी नोज़ थोड़ी फ्लैट लगे, ज़्यादा चबी ना लगे। हाँ गाइज, मैंने अपनी कॉन्टोरिंग कर ली है, आप देख सकते हैं मेरा फेस थोड़ा स्लिम लग रहा है। नाउ मैं अप्लाई करूँगी इसी पैर में से ब्लश। सो ये पिंकी अंडरटोन में ब्लश है, थोड़ा सा मैं लेकर डस्ट ऑफ करके अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। आप पीच अंडरटोन में भी लगा सकते हैं ब्लशेस, बिकॉज ब्लशेस जो होते हैं आपके फेस को रेडियंट ग्लो देते हैं, आपके चीक्स को ज़्यादा उभार। गाइस, मैंने ब्लश भी अप्लाई कर लिया अपने फेस पे, सो आपको आपके फेस को नेचुरल ग्लो देगा। नेक्स्ट स्टेप आता है अपने हाइलाइटर, सो मैं इसी पैर में से हाइलाइटर लेके अप्लाई करूँगी। मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर ले लिया है, देन मैं इसे अपने चीक्स पर अप्लाई करूँगी, पहले तो चीक्स, ओके, देन दोनों चीक्स पर अप्लाई करूँगी, देन अपने ब्रिज ऑफ द नोज पे, क्यूपिड चिन एंड अपने फोरहेड पे भी, जिससे कि दोनों ब्राइटन अप एंड अच्छे लगे। नाउ गाइस, मैंने अपना पूरा फेस का मेकअप कर लिया, फेस कॉन्टोरिंग हो गया, ब्लशिंग हो गया, हाइलाइटर हो गया। नाउ मैं अपने लिप्स को फिल करूँगी। लिप्स को लाइन करने के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबेलिन क्लॉसल की लिप लाइनर, एंड यहाँ पे मेरा शेड है ब्रिक रेड, इट्स अ रेड शेड इन कलर, लिप कलर। सो मैं इसको अच्छे से लाइन करूँगी। ओके, सो मैंने यहाँ पे लाइन अप कर लिया है अपने लिप्स। ओके सो गाइस, मैंने अपने लिप्स को लाइन अप कर लिया है विथ मेबेलिन क्लॉसल लिप लाइनर। सो इसको फिल अप करने के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबेलिन का लिक्विड लिक्विड लिपस्टिक, एंड यहाँ पे मेरा शेड है 03। सो गाइज, माई होल मेकअप लुक इज़ कम्प्लीटेड। नाउ लास्ट स्टेप आता है अपना मेकअप को सेट करना एंड अपने मेकअप को लॉक करना। सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी लॉरल पैरिस का मेकअप फिक्सर, एंड अपने फेस पर अपने से अप्लाई करूँगी, जिससे कि मेरा मेकअप लॉक हो जाए एंड अपने मेरा मेकअप ज़्यादा देर तक स्टे रहे। सो मैं इसे स्प्रे करूँगी अपने फेस पे। ओके, मैं इसे नेचुरली ड्राई होने दूँगी। ओके सो गाइज, अपने मेकअप लुक को कम्प्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे एसेसरी डाल रही हूँ, ये इयर रिंग्स हैं। सो जिससे कि मेरा मेकअप लुक ज़्यादा अच्छा लगे, एंड रेड टॉप में विद रेड बोल्ड लिप्स दीज इयर रिंग्स विल लुक फैंटास्टिक। ओके Para la para.
गाइज आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो. अगर प्लीज अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद एवरी वन विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग सो दैट मैं आगे बढ़ पाऊँ एंड आप लोग का लव ऐसी रहे मेरे साथ एंड सो टिल देन स्टे सेफ एंड अपने घर में रहें एंड प्लीज मुझे सपोर्ट करें जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूँ. सो टिल देन बाय एंड लव यू ऑल.